नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए। इससे पहले हम मॉडल पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित के वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित के और जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने फिर से 18 प्रश्न लिए हुए हैं और ऐसे प्रश्न हैं जिनका स्तर आपकी परीक्षा के स्तर के बराबर है। तो अगर इन 18 प्रश्नों को आपने हल कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में आपके 25 में 25 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि साइन ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं 0, 30, 60, 90। तो जो भी ऑप्शन सही है वो हमें नीचे कमेंट में बताइए या फिर अपनी कॉपी में कहीं नोट करके रख लीजिए। जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर पूछूंगा उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में हल कर लेना है और उसके बाद जब सोल्यूशन वाला वीडियो आएगा तो वहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या 6/7 और 3/2 का भागफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 9/7, 4/7, 18/14 या फिर 6/14। तो यहाँ पर 6/7 और 3/2 का भागफल क्या होगा नीचे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, संख्या 1, 2, 3, 2, 1 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, यानी इसका जो वर्गमूल निकाला जाएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है, 1, 2, 3 या फिर 5। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 25x² - 125 = 0, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है आपको, क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है 5, 5, 25 या फिर 125। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कॉमेंट में हमें बताइए। अगला पांचवा प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसकी आप परिधि आपको बतानी है, परिधि क्या होगी, 14 पाई, 28 पाई, 56 पाई या फिर 176 पाई, जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए। देखिए, ऐसा ही प्रश्न अभी आपके नवंबर में जो डीएलएड फोर सेमेस्टर गणित की परीक्षा हुई थी ऐसा ही प्रश्न पूछा भी गया था। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की संभावना ज्ञात करो। एक पासा उछाला जा रहा है उसमें सम संख्या आने की संभावना कितनी है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 0.01024 की पावर 1/5 का मान ज्ञात करो, इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। अगला जो प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 60/75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि 60/75 में अगर हम गुणा कर दें उस संख्या का तो वो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिसमें 5 लड़के और शेष लड़कियाँ हैं, उस कक्षा से किसी एक विद्यार्थी को चुनना हो तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का मतलब है संभावना, ठीक है, संभावना अंग्रेजी में कहे तो प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, 18, 20, 25, 28, 23, 36, 35, 42, 40 की मध्यिका ज्ञात करनी। मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को आता होगा तो हमें नीचे कॉमेंट बताइए इसका क्या उत्तर आएगा। साइन 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है, क्या करना होगा आपको मालूम है, इनकी वैल्यूज रख देनी है और इसका जो भी प्लस मल्टीप्लाई माइनस जो भी है उसी हिसाब से सॉल्व करके क्या उत्तर आएगा नीचे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, यदि सरिया का व्यास 2 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ इन प्रश्नों की समय सीमा 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये नहीं कि अब 2 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन 1 घंटे के बाद कर रहे हैं, आप बैठिए तो फिर 1 घंटे उठिएगा मत,
जब तक आपका प्रश्न पत्र एक घंटे के अंदर खत्म ना हो जाए तब तक आप उठेंगे नहीं। और अगर एक घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है तो उसी जगह स्टॉप कर दीजिए और देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं। ये जरूर चेक कर लीजिए कि एक घंटे में आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आप सॉल्व तो पूरा कीजिए, लेकिन ये जरूर देख लीजिए एक घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 12x² - 11x - 15 = 0 को हल करना है। हल करने से यहाँ मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, समांतर चतुर्भुज ABCD के एंगल A और एंगल B में अनुपात 1:2 है, यानी एंगल A और एंगल B का जो अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है, अब चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो, यानी ABCD इन चारों को आपको ज्ञात करना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, इसका उत्तर आपको निकालना है, नीचे कमेंट में देना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक पहिए की परिधि 320 सेंटीमीटर है, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी, ये आपको बतानी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 75 तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। मतलब कोई एक आपका ये चतुर्भुज है, एक कोण आपको दे रखा है 75 और बाकी के जो कोण हैं वो सब क्या हैं, बराबर है। यानी अगर ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है कि ये तीनों कोण कितने कितने के होंगे, यही यहाँ पर बताना है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर 18 प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अब इन 18 प्रश्नों में आपको एक घंटे में आप कितने सही कर पा रहे हैं ये आप अपने आप से आकलन कर लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं और 25 में कितने नंबर आपके बनना है। ठीक है, 25 में कितने नंबर बनने हैं वो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।